ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर। द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो, सिर्फ आपके लिए हर रोज़ 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो। हेलो एंड वेलकम गाइस टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू, और मेरा नाम है कुश पांडे। आपका साफ सबका स्वागत है हमारे इस खास शो के अंदर, जहां पर हम फोकस कर रहे हैं उन सारी इंपॉर्टेंट खबरों पर जो मैटर करती है फ्रॉम द पेपर दैट इज़ द हिंदू। तो पीछे आप देख सकते हैं लहरें उफान मार रही हैं एंड हम शुरू कर रहे हैं आज का शो। डिले हो गया बिकॉज ऑफ माई कफ एंड कोल्ड, पर दिक्कत की कोई बात नहीं। यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं, ले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको आज के हमारे जो मोटिवेशनल कोट है उस पर, जो कि ये रहा अब आपके सामने स्क्रीन पर, स्टॉप हेटिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग यू आरंट एंड स्टार्ट लविंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग यू ऑलरेडी आर। अपने आप को आप देखिए जैसे भी हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप लाइफ में फेलियर हैं, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, जो भी आपने हासिल किया उससे खुश रहिए एंड आगे कोशिश कीजिए हासिल करने की चीज़ों को। बट डू नॉट एवर ट्राई टू हेट योर सेल्फ, ऑलवेज लव बिकॉज यू आर योर सेल्फ। आप जैसा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है और ना कभी कोई रहेगा। विद दीज लाइन्स चलिए शुरू करते हैं एंड ले चलते हैं आपको सबसे पहले हमारी आज की पहली 5 हेडलाइंस पर, जो कि ये रही आपके सामने। श्रीलंका गवर्नमेंट जो है, उनकी जो यूनिटी गवर्नमेंट थी दैट वॉज बिटवीन मैत्रीपाला सिरीसेना एंड रानिल विक्रम सिंघे हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, वो सरकार गिर गई है। नाउ आउट ऑफ ऑल ऑफ अ सडन प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है महिंदा राजपक्से को, जो कि एक एनिमी या फिर राइवल थे पॉलिटिक्स में ऑफ द करेंट प्रेसिडेंट दैट इज मैत्रीपाला सिरीसेना। SR Steel which was owned by Ruiya Brothers, जिन्होंने बिड भी किया था कल इसको बचाने के लिए, उसको फाइनली ये जो SR Steel है, it will be acquired by Arcelor Mittal owned by लक्ष्मी निवास मित्तल। इंडियन एयरफोर्स की जो सबसे सशक्त, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक उनकी फाइटर जेट है, which is the most regarded of the fighter jets, that is Sukhoi 30 MKI, उसको उसका नया वर्जन आया है, they have overhauled, उसको रिपेयर किया है, चीजों को नया ऐड किया गया है उसमें। आयरलैंड विच इज अ कंट्री नियर बाय इंग्लैंड, दैट कंट्री विल वोट ऑन अ हिस्टोरिक ब्लास्फेमी बैन। कल वहां पर एक वोटिंग हुई है ब्लास्फेमी के ऊपर। ब्लास्फेमी इज बेसिकली एनीथिंग विच इज अगेंस्ट, सॉरी, ब्लास्फेमी इज एनी वर्ड्स और एनी एक्ट जो कि किसी रिलीजन के खिलाफ है या रिलीजन को वो चोट पहुंचाता है। देन टू एनिमीज, टू पैसिव पार्टनर्स चाइना एंड जापान, दे हैव कम टुगेदर एंड दे हैव साइंड वेरियस अग्रीमेंट्स, तो उन पर हम आगे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पे बात करें तो ये रही नेक्स्ट, RBI विल इंजेक्ट 40,000 करोड़ थ्रू द हेल्प ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस इन नवंबर। देन वी हैव अ कपल हु हैज़ वन द एक्स प्राइज, उन्होंने हवा से पानी बनाया है, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग सा हेडलाइन है। फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है विनर्स टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी, अवार्ड 3 लोग को दिए गए हैं, स्पेशली दिए गए हैं पिछले 14, 15, 16 के लिए। देन वी हैव अ केरला ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द केरला गवर्नमेंट, जिसने इशू किया है मसाला बॉन्ड्स विच आर इशूड इन रुपीज, और उसकी जो वर्थ है वो है 5,000 करोड़। 24 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोलियो डे, हमसे मिस हो गया था। नेक्स्ट 5 पे चलें, वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन October 24। फिर पशु संजीवनी सेवा, इसको लॉन्च किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये खबर हमने ली है फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। देन वी हैव ICGS दैट इज इंडियन कोस्ट गार्ड शिपिंग वेसल वरुणा, इसको लॉन्च किया है बाय द रिलायंस नेवल कंपनी एंड ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। दिस हेडलाइन इज फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स। देन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज़ बिन गिवन लाइसेंस बाय सेबी टू नाउ ऑफर कॉपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कॉपर को भी वो एक अमाउंट, एक पर्टिकुलर डेट पर, एक तारीख पर, एक अमाउंट पर बेचें की शुरू करेंगे। सौरभ कुमार बने हैं भारत के नए राजदूत टू म्यांमार, उन्होंने रिप्लेस किया है विक्रम मिश्री को। सो गाइस दीज वर द हेडलाइंस, अब ये रहा आपके सामने हमारा इन्हीं में से आज का पहला हेडलाइन, श्रीलंका यूनिटी गवर्नमेंट हैज फॉल्ड
has fallen and Rajapaksa has been sworn in as the Prime Minister. Main point यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो मैत्रीपाला सिरिसेना है उन्होंने appoint किया है former President who was the predecessor of Maithripala Sirisena as the new Prime Minister of Sri Lanka. It led to a collapse of the country's first national unity government. जिस government में जो current Prime Minister थे रानिल विक्रमसिंघे है उनकी party that is United National Party वो collaboration में थी coalition में थी with the sitting president पर उनको हटा दिया गया और अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं the new Prime Minister of Sri Lanka is Mahinda Rajapaksa जिन्हें मैत्रीपाला सिरिसेना ने यहां पर बनाया है. तो बहुत ही सिंपल सी हेडलाइन है दोस्तों कि एक फ्रिक्शन डेवलप हो रहा था, कुछ जो रिश्ते थे वादे थे वो निभाए नहीं रानिल विक्रमसिंघे ने विद सिरिसेना एंड उस वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया. एंड ब्रेकअप की वजह से आप यहां पर देख पा रहे हो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है महिंदा राजपक्सा. ठीक है, जो नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बने हैं दोस्तों. अगर यहाँ पर हम मैप की स्टडी की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा ये हमारा मैप है. एंड मैं एक सवाल आपसे चाहूँगा कि ये जो एक वाटर बॉडी है इस चैनल को हम क्या कहते हैं, ये सवाल आपसे होगा कमेंट सेक्शन में कि व्हाट डज दिस पर्टिकुलर चैनल मीन, क्योंकि बाकी इसमें कुछ खास है नहीं. आप देख सकते हैं द क्लोजेस्ट पार्ट हीयर जो इंडिया का है वो है रामेश्वरम. यहाँ पर जो बहुत ही मच फेबल राम सेतु ब्रिज था उसको भी यहीं पर पाया गया है. एंड इट always been a neighbor of India. वैसे तो इसका जो कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे अलगनपीठ. कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और जो इसकी करेंसी है दैट इज़ श्रीलंकन रूपी. पर कौन सा चैनल है जो कि इसको करता है, देखो लोग लिख रहे हैं पार्क स्ट्रीट, पर एक चैनल भी होता है जो भी जो इन दोनों करता है. पर हाँ, पार्क स्ट्रीट भी आपका सही आंसर है. नाम तो पार्क है पर ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है, बिल्कुल सही आंसर है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपको अगली खबर. नाउ गाइस, फॉर द फाइनेंशियल अफेयर्स जो कि पीओ मेंस में आता है, एसएससी में आता है, यूपीएससी में आता है, तो उसमें ये लिए बहुत बड़ी खबर है. एसआर स्टील विच वाज अ लोन ड्रिवन अ डेब्ट ड्रिवन कंपनी जिसमें भारी मात्रा में लोन और डेब्ट का साया था, दैट पर्टिकुलर कंपनी विल नाउ बी अक्वायर्ड बाय आर्सलन मित्तल विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप टू स्टील कंपनीज. एंड जो डील हुई है दैट डील इज़ फॉर 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ के लिए आपकी ये डील हुई है. एंड इस डील में अलोंग विद आर्सलर वी हैव टू मोर कंपनी जिनके नाम है निपॉन स्टील एंड सुमितो मेटल कॉर्प. दीज टू कंपनीज आर आल्सो टुगेदर विद दिस कंपनी. एंड ओवरऑल बात करें तो 42,000 करोड़ विल बी डन बाय विल बी डन एंड देन 8,000 करोड़ की दिया जाएगा फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन. तो ओवरऑल ये यहाँ पर कंसेप्ट आया है. नाउ द एसआर स्टील वॉज ओन्ड बाय द रुइयास. उन्होंने कोशिश किया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था अराउंड 54,039 करोड़ इसका उन्होंने ऑफर किया था. पर द क्रेडिट कमिटी ने कहा है कि नाउ दिस कंपनी बिलोंग्स टू आर्सलर मित्तल. ये आपके सामने यहाँ दिया हुआ, आइए देखते हैं इसका मेन पॉइंट क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है. देखिए द की पॉइंट हियर गाइज इज़ कि द कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो कि एक समिति है जिसने कि लोन दिए हैं एसआर स्टील को, उसने ही सेलेक्ट किया है आर्सलर मित्तल को. उनका जो अमाउंट है बिड का वो कम था, द अमाउंट ऑफ बिड वॉज लेसर देन दैट ऑफ द रुइयास, बट उनका मानना है दे आर मोर कम्फर्टेबल, मच मोर कम्फर्टेबल गोइंग विद आर्सलर कंपनी एंड नॉट विद द रुइयास. तो उसके लिए यहाँ पर ये डील को फाइनल किया गया है. ये आपके सामने इसका मेन पॉइंट मैंने दे दिया और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों. यहाँ पर जिस लॉ का इस्तेमाल किया गया है, द लॉ दैट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल बिटवीन द लॉ दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एक्विजिशन, दैट लॉ इज़ कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं इस कोड के बारे में? अगर जानते हैं प्लीज़ टाइप करिएगा वाई, बिकॉज दिस कोड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IBPS PO मेंस एंड ऑल्सो फॉर UPSC. हर तरह का जो बड़े लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ पर इस पर सवाल कभी ना कभी आया है. तो इस कोड का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है जिसका शॉर्ट फॉर्म है IBC. नाउ देर इज़ अ क्वेश्चन एंड आई होप आप लोग को जानना चाहेंगे कि सर IBC क्या होता है. तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ IBC. दीज आर द 5 to 7-6 पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. सबसे पहले द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सीक्स टू क्रिएट अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी इन इंडिया. भारत के अंदर जो इंसॉल्वेंसी और
बैंक्रप्सी के मामले हैं उनको देखता है. द कोर्ट कवर्स 3 to 4 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जिनमें सबसे पहला जो आपका आता है दैट इज़ इंसॉल्वेंसी. सेकेंड लिक्विडेशन, जब हम शेयर्स जब हम पे बैक करते हैं कस्टमर्स को. वॉलंटरी लिक्विडेशन, जब एक कंपनी जानबूझकर कहती है कि हम अपने को ख़त्म करना चाहते हैं. और आखिरी में है आपकी बैंक्रप्सी. नाउ गाइस, ये 4-5 चीज़ें हैं जिनको ये कोड आपका कवर करता है. नाउ दिस कोड ऑल्सो अमेंड्स 11 लॉज, करीब 11 ऐसे लॉज हैं जिनको ये आपका अमेंड करता है, जिनमें सबसे पहला आपका आता है कंपनीज एक्ट ऑफ 2013. एक और आता है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज रिपील एक्ट ऑफ 2003. इनको वो एक तरह से अमेंड यहाँ पर करता है, संशोधित उनको यहाँ पर बेसिकली ये करता है. नाउ गाइस, सवाल उठेगा व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, आखिरकार इंसॉल्वेंसी आपकी क्या होती है. इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर द डेटर इज नॉट इन अ पोजिशन टू एक्चुअली पे बैक द मनी. एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो डेटर है, जो जिसने पैसे लिए हैं, वो पैसे वापस नहीं कर सकता. और बैंकरप्सी क्या होती है, बैंकरप्सी इज़ द लीगल डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. लीगली डिक्लेयर कर दिया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ मनी लेफ्ट विथ मी. तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है. पहला कि डेटर के पास पैसे नहीं है, दैट इज़ इंसॉल्वेंसी. एंड सेकंड कि लीगली डिक्लेयर कर दिया, पाक साफ कर दिया कि मैं पैसे वापस नहीं कर सकता, दैट इज़ बैंकरप्सी. नाउ गाइस, इनमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं या जो एजेंसी इन्वॉल्व होती हैं उनके नाम याद रखिएगा आप लोग. पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ऐसे एम्प्लॉइज, ऐसे प्रोफेशनल जो कि इंसॉल्वेंसी कराएंगे. सेकेंड है इंफॉर्मेशन ट्रिटीज. नाउ गाइस, दीज आर कंपनीज, ये क्या होती हैं कमेंट करिएगा. दीज आर कंपनीज, किस लिए कंपनीज, दे प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसॉल्वेंट कंपनीज. जो कंपनीज इंसॉल्वेंट हो रही हैं उनकी फाइनेंशियल जानकारी ये यूटिलिटीज देती हैं. उसके अलावा वी हैव IEBI, जिसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी बोर्ड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया या ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये एक और बॉडी है. और आखिरी में एक फंड है, इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड. तो अगर क्लियर हो गया आप सबको, प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा पाक साफ हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने स्क्रीन पर. इंडियन एयरफोर्स विल गेट इट्स फर्स्ट ओवरहॉल्ड सुखोई. भारतीय वायुसेना जो है उसको पहला उसका रीफर्बिश्ड, अंग्रेजी वर्ड है एंड मुझे पता है कई लोगों को नहीं पता होगा, रीफर्बिश्ड मतलब होता है टू रेनोवेट टू अपग्रेड. मतलब आपकी पुरानी फीएट एम्बेसडर कार थी, उसमें आपके बेटा जो कि बहुत ही लायक है, अब आपका बेटा एग्जांपल ले लीजिए, बूढ़ा फील करेंगे आप लोग, उस बेटे ने उसमें कुछ यंत्र लगा दिए, फॉर एग्जांपल NOS बूस्टर लगा दिया, फॉर एग्जांपल फरारी का इंजन लगा दिया. तो ऐसा ही कुछ हुआ है विद सुखोई कि दे हैव एक्चुअली ओवरहॉल्ड द सुखोई विमान. और ये किसने किया, कैसे किया, आइए इसको जानते. पर पहले जानते हैं मेन पॉइंट क्या. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर एनी अंडरस्टैंडिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मेन पॉइंट. इसको अंग्रेजी में, इसको अच्छी अंग्रेजी में कहते हैं मूव पॉइंट. नाउ व्हाट इज मूव पॉइंट, मूव पॉइंट और मेन पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन. सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इंडियन एयर फोर्सेस बेस रिपेयर डिपो विच इज़ इन ओझर इन महाराष्ट्र हैज सक्सेसफुली ओवरहॉल्ड अ Su-30 MKR एयरक्राफ्ट. जो एक इनका डिपो है जहाँ पर रिपेयरिंग होती है एयरक्राफ्ट की, उसने सक्सेसफुली एक तरह से रिपेयर किया है किसको, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKR एयरक्राफ्ट को, जिनका नाम आपके सामने स्क्रीन पर हमने दिया गया है. नाउ गाइस, इंटरेस्टिंग बातें क्या हैं, क्या क्या डिटेल्स इसके बारे में आइए जान लेते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट ओवरहॉल्ड एयरक्राफ्ट, मतलब पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट है कोई भी जिसको ओवरहॉल यहां पर किया गया है, नंबर वन. एंड नंबर टू, इसको हैंडओवर किया गया टू द एयर मार्शल HS अरोड़ा, हु इज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द सदर्न वेस्ट साउथ वेस्ट वेस्टर्न एयर कमांड. तो उनको एक तरह से इसको ट्रांसफर किया गया, हैंडओवर किया गया, और ये पहला आपका ऐसा ओवरहॉल्ड एयरक्राफ्ट है. उसके बाद बात करें तो द Su-30 MKI इज बेसिकली टेकन फ्रॉम रशिया, रशिया से इसको इंपोर्ट किया जाता है एंड इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया में बाय HAL, जो कि इंडियन एयरफोर्स का मेन स्टे है इस समय सुखोई 30 MKI. नाउ गाइस, मार्च 2017 में HAL ने अग्रीमेंट किया था विथ यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन एंड यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ऑफ रशिया से, जिससे कि दो लॉन्ग टर्म सप्लाई अग्रीमेंट हुए थे रिपेयर करने के लिए.
ठीक है। और आखिरी में मैन्युफैक्चरर है इसका HAL, इंट्रोडक्शन हुआ 2002 में, और जो ओरिजिनल जेट है उसका नाम है सुखोई Su-30, जो उसका ये वेरिएंट है जिसका नाम है सुखोई 30 MKI। क्लियर हो गया आपको तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, यस सर पाक साफ हो गया, इंडियन एयरफोर्स हैज़ गॉटन इट्स फर्स्ट ओवरहॉल्ड सुखोई। क्लियर होता जा रहा है, अंगूठा दिखाते जाइए। चलिए यहाँ से सवाल बनेगा सबसे पहला कि वेयर इज द बेस रिपेयर डिपो ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, आंसर ओझर है। सवाल दूसरा बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट वॉज ओवरहॉल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आंसर है सुखोई Su-30 MKI। नंबर थ्री क्वेश्चन, Su-30 MKI इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम विच कंट्री, उसका आंसर होगा रशिया। हु इज़ द मैन्युफैक्चर, उसका आंसर होगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि आपका बेंगलुरु में पड़ता है। सवाल मेरा आपसे एक और है कि हु इज द करेंट चेयरमैन और द हेड ऑफ HAL, इस सवाल का जवाब आप सबको मेरे को देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप शो का स्पीड आपके लिए बेहतर है, द स्पीड ऑफ द शो इज ऑल राइट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले ये एक ग्राफिक था, देखिए फ़ायदा क्या होता है, देखिए इस शो का फ़ायदा ये होता है कि द हिंदू पेपर जो है उस पेपर से जो भी वेरीफाइड इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनको दिखाते हैं, एंड जो बाकी पेपर्स हैं इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड उनसे भी आप खबरें दिखाते हैं। इस शो का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर वेरीफाइड सोर्सेज से हम खबर लाते हैं और रियल टाइम लाते हैं, जैसे कि द हिंदू मॉर्निंग में आया होगा आज 5 बजे ऑनलाइन, मेरे घर पर आया 7 बजे, तो हम उनको डायरेक्टली यहाँ दिखाते हैं, तो ये एडवांटेज है इस शो का, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जो बेस रिपेयर डिपो है उसने हैंडओवर किया है इसको। अगर हम बात करें बेस रिपेयर डिपो की तो इट वाज इस्टैब्लिश्ड ऑन April 29, 1974, नंबर वन। नंबर टू, एंड इसको रीनेम किया गया एज बेस रिपेयर डिपो ऑन January 1, 1975। यहाँ पर ऑलरेडी अभी अपग्रेडेशन हो रहा है MiG-29 का, और इसका अपग्रेडेशन उन्होंने अभी फिलहाल कर दिया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे, जो कि ये रही अब आपके सामने। नाउ गाइस इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ लेट मी नो, द आंसर हियर इज द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी क्या होती है, किसी को पता है कि ब्लास्फेमी आपका क्या है? देवा दहिया जी हिंदी लाते हैं, हाँ आज नहीं ला पाए पर कल से ले आएंगे। तो सवाल यहाँ पर मेरा है कि ब्लास्फेमी क्या होता है। देखिए ब्लास्फेमी इज़ एन इवेंट, is basically an activity or is basically an action which is against a religion, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, ऐसी activities जो कि किसी religion को demean करती हैं, उसको एक तरह से हतोत्साहित करती हैं, they are against a particular religion, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं blasphemy। नाउ आयरलैंड के अंदर which is basically a Catholic majority country, उसमें blasphemy का law पहले से है, वहाँ पर वो पनिशेबल ऑफेंस है, पर हो सकता है कि उसको हटा दिया जाए, एक रेफरेंडम लिया गया जिसे कहा गया है कि दे परहैप्स आर ट्राइंग टू रिमूव द हिस्टोरिक ब्लास्फेमी बैन, एंड इसके लिए कल वोटिंग यहाँ पर हुई है। तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है। देखिए मेन पॉइंट है, आयरिश वोटर्स वर डिसाइडिंग ऑन फ्राइडे दैट इज़ यस्टरडे टू वेदर रिपील अ बैन ऑन ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का जो बैन है क्या उसको रिपील किया जाए, इस पर बातचीत उन्होंने यहाँ पर कही है। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इट इज़ करेंटली पनिशेबल बाय 25,000 यूरोज़ या डॉलर्स में $28,400, एंड द रेफरेंडम इज़ बीइंग हेल्ड अलॉन्ग साइड द इलेक्शंस, इलेक्शंस भी वहाँ पर हो रहे हैं राष्ट्रपति के, जो कि 7 साल के टर्म्स के लिए होते हैं, तो उसके साथ आपका ये हो रहा है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ब्लास्फेमी इज़ द एक्ट ऑफ इंसल्टिंग और शोइंग कंटेम्प्ट और लैक ऑफ रिवरेंस टू अ डाइटी और सेक्रेड थिंग्स। ब्लास्फेमी एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम इंसल्ट करते हैं या कंटेम्प्ट शो करते हैं किसी भगवान को, किसी रिलीजन को, या किसी बहुत ही पावन या पाक चीज़ को, तो उसे हम यहाँ पर कहते हैं ब्लास्फेमी, तो उसको यहाँ पर बैन करने की बात की गई है। सो परहैप्स यस इट इज़ अ गुड डिसीजन दैट इज़ डन बाय द आयरलैंड गवर्नमेंट। क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, यस 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 पाक साफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपके इसी के मैप पे। दोस्तों आप मैप देख सकते हैं आयरलैंड का। सबसे पहले सवाल मेरे आपसे यहाँ पर है, जो सवाल रहेगा व्हाट इज़ दी करेंसी ऑफ आयरलैंड एंड व्हाट इज़ दी कैपिटल ऑफ आयरलैंड, ये सवाल आप बताइए, तब तक मैं दिखाता हूँ आपको कि जो आयरलैंड है, आयरलैंड के बगल में है एक और छोटी कंट्री जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, देन द UK दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इनको बेसिकली जो
ये है, इसको एक तरह से आयरिश सी जो है वो इसके सामने आती है, जो कि इन दोनों को यहाँ पर डिवाइड करती है। कुछ यहाँ पर जलने की बदबू आ रही है, एक बार देख लें। तो आयरिश सी बेसिकली एक तरह से इन दोनों के बीच आती है और ये सब मिलाकर आपका यहाँ पर पार्ट आता है। देखिए यहाँ पर आंसर आ भी रहा है डबलिन आपका कैपिटल है, यूरो जो है वो आपकी करेंसी। बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर। दो ऐसे लोग हैं, एक हैं जी जिनपिंग एंड दूसरे हैं शिंजो एब या शिंजो अबे। नाउ दीज टू पीपल हैव कम टुगेदर एंड दे नो दैट इफ दे हैव टू फाइट द यूएस फॉर अ लॉन्गर टर्म, अगर उन्हें यूएस को लंबे समय तक चुनौती देनी है, जो ट्रेड डील्स उनमें चुनौती देनी है, दे हैव टू हैव अपर हैंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन और द एशियन रीजन, तो इन्हें साथ आना पड़ेगा। तो ये दो जो महानुभाव हैं, दीज टू पीपल दे हैव कम टुगेदर एंड और इन्होंने कई अग्रीमेंट्स पर यहाँ पर साइन किया है। सो इट इज़ अ वेलकम साइट, हमारे लिए अच्छा नहीं है बिकॉज वी आर वन ऑफ द कंटेंडर्स टू बिकम द मोस्ट एडवांस्ड नेशन इन एशिया, पर ओवरऑल वर्ल्ड के लिए अच्छी बात है कि वी हैव कॉम्पिटिटर्स नाउ टू द यूएस। तो इन्होंने क्या अग्रीमेंट किया, क्या क्या चीज़ें इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर यह है, जो कि मैंने बता भी दिया आपको, कि चाइना एंड जापान दे हैव कम टूगेदर टू डेवलप न्यू ओवरसीज मार्केट, जो नए ओवरसीज मार्केट्स हैं उनको डेवलप करने की इन्होंने यहाँ पर बात की है, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैस फील्ड्स इन द ईस्ट चाइना सी, जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ पर ये कुछ गैस फील्ड्स के को साथ में बनाएंगे। उसके अलावा दे विल बी अ प्लेटफॉर्म वेयर दे विल डिस्कस अपॉन हाई एंड टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन पर डिस्कशन किया जाएगा कैसे हम जो डिफरेंट हमारे फैक्टर्स हैं उन पर बातचीत करें। फिर एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट होगा, जो कि होगा $26.7 बिलियन का बिटवीन जापान एंड चाइना, उनके बीच ये अग्रीमेंट यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए तीन चीज़ें हैं जो कि आपको गौर फरमाना है, उनमें सबसे पहले है ईस्ट चाइना सी पर गैस फील्ड, सेकंड है प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, थर्ड है $26.7 बिलियन का एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट। नाउ गाइस करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज SBI PO में ये आपका आया था एक बार, इस साल SBI PO में आपका ये टर्म आया है। तो आइए जानते हैं करेंसी स्वैप क्या होता है, क्या कितने लोग, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो, कितने लोग हैं जिन्हें पता है करेंसी स्वैप के बारे में। अगर पता है तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे, पर हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली नो व्हाट अ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इज, प्लीज़ कमेंट करिएगा। नहीं पता है परेशान ना रहिए, ये रहा बहुत ही डिटेल में एक करेंसी स्वैप अग्रीमेंट आपका होता क्या, जरा वापस स्क्रीन पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश होता क्या है, A currency swap involves the exchange of principal and interest of a loan in one currency for a similar loan in another currency. Simple सी खबर है, राहुल एंड राकेश, there are two people, राहुल एंड राकेश, राहुल wants to invest in the US, राकेश wants to invest in India. ठीक, राहुल ने राकेश को रुपए दिए एक इंटरेस्ट पर और राकेश ने सिमिलर रुपए दिए उसको एक इंटरेस्ट पर, तो राहुल के पास पैसे आ गए US में, राकेश के पास पैसे आ गए इंडिया में, जिससे दोनों ने ही अपना काम कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर करेंसी स्वैप अग्रीमेंट हुआ, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि US कंपनी जो है, जो कि कंपनी ए है, इट वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, सो इट गॉट अ लोन ऑफ $450 मिलियन फ्रॉम इंडियन कंपनी और उसने ये लोन दिया उसको 7% पर। On the other side, the Indian company also wants cash. तो इस exchange के बदले में Indian company को मिले $10 मिलियन that is at 6%. तो दोनों का फायदा हो गया, वी एक्चुअली स्वैप्ड लोन। तो यहां पर हमने एक तरह से लोन्स को यहां पर स्वैप किया, जहां पर एक लोन दिया US कंपनी ने इंडिया को, वन लोन वॉज एक्चुअली गिवन बाय द US कंपनी टू इंडिया, दैट वॉज $450 मिलियन, ये लोन वापस किया इंडिया को US ने एट 6% इंटरेस्ट, एट 7% इंटरेस्ट, ऑल राइट। और इसी के बदले एक लोन दिया इंडियन कंपनी ने US को $10 मिलियन पर और इस पर इंटरेस्ट लगा आपका 6%। सो बाय स्वैपिंग लोन्स, हमने दो लोन्स को यहाँ पर स्वैप किया, ये देखिए सिमिलर होगा,
यहाँ इक्वल नहीं होगा, सिमिलर होगा। आप भी जानते हो कि रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा कम होती है, डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो अधिक रुपए देकर डॉलर हमने कम दिया पर अग्रीमेंट हुआ। इससे इनका भी फ़ायदा हो गया, US कंपनी का भी, एंड इससे इंडियन कंपनी का भी फ़ायदा हो गया। सो इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ लोन्स इन वन करेंसी फॉर अ सिमिलर लोन इन अदर करेंसी। एक ने लोन दिया डॉलर में, एक ने लोन दिया रुपए में, और दोनों का ही यहाँ पर भला हो गया, जो कि स्क्रीन पर भी आपके सामने हमने बता दिया। तो अगर क्लियर हो गया आपको, प्लीज़ कमेंट डाल दीजिएगा, येस सर इट इज़ क्लियर, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अभी हाल ही में SBI PO में भी आपका आया था। क्लियर हो गया तो प्लीज़ कमेंट डाल दीजिए, येस सर, येस सर, येस सर, इट इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पर। RBI will inject 40,000 crore in November of this year. RBI जो है, रक्षत जायसवाल, थोड़ा सा शंख पुष्पी पी लो मेरे भाई, कुछ थोड़ा जाग बंग जाओ। सिंपल सी खबर थी एंड आई होप मैक्सिमम लोगों को कवर हो गया है, ठीक है। तो RBI, अब अगली खबर जो है वो ये है कि RBI ने इंजेक्ट किया है, उसने 40,000 crore रुपीज़ इन्वेस्ट करने की बात की है इन द मार्केट इन नवंबर। नाउ गाइस, यहाँ पर डिस्कशन करने से पहले एक चीज़ जो मुझे समझानी है आपको, दैट इज़ दिस वर्ड, RBI डज टू एक्टिविटीज़। जो RBI है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ करता है मार्केट में, जिनमें पहली एक्टिविटी होती है इंजेक्शन, दूसरी आपकी जो होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इंजेक्शन, द सेकेंड वन माई फ्रेंड्स इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। नाउ गाइस, इंजेक्शन तब होगा व्हेन द मनी सप्लाई विल बी लेस। अगर मार्केट में मनी सप्लाई कम है तो वह इंजेक्शन करेगा, और अगर मनी सप्लाई आपकी ज़्यादा है तो मार्केट से एब्जॉर्ब करेगा, मार्केट से पैसा उठाएगा। तो एक में सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को और एक में बाय करेगा। जब सेल करेगा दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, जब बाय करेगा दैट इज़ इंजेक्शन, ऑलराइट। और द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज फॉर दिस इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर OMO। सो OMO गाइस इज बेसिकली एन एक्टिविटी बाय द गवर्नमेंट इन विच थ्रू द हेल्प ऑफ RBI दे विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर मोर देन 365 प्लस डेज, 365 दिनों के से ज़्यादा के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, वो इंजेक्ट करेगा मनी को और एब्जॉर्ब करेगा मनी को। इट इज़ डन थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आइए एक बार आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट है कि, अगर क्लियर हो गया है प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, येस सर, येस सर, येस सर, हमें समझ में आ गया। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों, तो दो ही स्टेप होगा, इंजेक्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट खबर की। कपल क्रिएट्स वाटर आउट ऑफ थिन एयर। वी हैव अ कपल, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, उनका नाम आइए आपको बता भी देते हैं। उनका नाम है डेविड हर्ट्स एंड लॉरा डॉस हर्ट्स। नाउ दीज टू हैव कम टूगेदर एंड दे हैव कन्वर्टेड थिन एयर इंटू H2O। जो एक थिन एयर होती है उसको इन्होंने वाटर में तब्दील किया है, और इसके लिए इन्हें $1.5 million का एक्सप्राइज दिया गया है फॉर वाटर अबंडेंस, उसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। नाउ गाइस, अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेंशन दे कैन प्रोड्यूस 2,000 liters ऑफ वाटर पर डे एट नॉट मोर देन 2 cents पर लीटर। मतलब 1 liter 2 cents का ही पड़ेगा, और ये एक दिन में 2,000 liters तक पानी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए इन्हें दिया गया है द एक्स प्राइज फॉर वाटर अबंडेंस, और इनका नाम है डेविड हर्ट्स एंड लॉरा डॉस हर्ट्स। दीज टुगेदर हैव बीन अवार्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड, दैट इज द एक्स प्राइज फॉर वाटर अबंडेंस। याद रखिएगा, सवाल यहाँ पर बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द एक्स प्राइज फॉर वाटर अबंडेंस। तो उसका जो आंसर होगा, द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी, इट इज डेविड हर्ट्स एंड लॉरा डॉस हर्ट्स, वो उसका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको इसी के मेन पॉइंट पर। ये रहा आपके सामने मेन पॉइंट। सो प्राइज मनी था $1.5 million और करीब 98 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें, 27 कंट्रीज थी, उनमें से इन्हें सेलेक्ट यहाँ पर किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्माइल करते रहिए और मज़े के साथ शो देखते रहिए। अब बात करते हैं हमारी अगली खबर पे,
जो कि ये रही आपके सामने, एंड दिस इज फ्रॉम द अदर सोर्सेज। जो भी खबरें थी द हिंदू से वो डिस्कस हमने कर लिया है, और अब हम बात करेंगे अबाउट अदर सोर्सेज। फॉर एग्जांपल, विल फोकस ऑन इंडियन एक्सप्रेस, विल फोकस ऑन बिजनेस स्टैंडर्ड, विल फोकस ऑन इकोनॉमिक टाइम्स, विल फोकस ऑन PIB, इन सब पे हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको इसी की पहली हमारी खबर। गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विनर्स ऑफ द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी। कल्चरल हार्मनी के लिए जो सरकार है हमारी, उन्होंने टैगोर अवार्ड को बनाया है, जो कि सांस्कृतिक एक जो सहृदयता है, जो एक सांस्कृतिक एक अक्यूमुलेशन है डिफरेंट कल्चर्स का, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये अवार्ड दिए गए हैं फॉर 3 ईयर्स, 2014, 2015 एंड 2016। इन तीनों सालों के लिए ये अवार्ड दिए गए। 14 के लिए दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू राजकुमार सिंहजीत सिंह, हु इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ मणिपुरी डांस। मणिपुरी डांस की बहुत ही फेमस ये आपके व्यक्ति हैं। दूसरे हैं 2015 में, दैट इज़ छाया नाउथ, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ इन बांग्लादेश, विच वर्क्स फॉर प्रोपोगेटिंग रविन्द्रनाथ टैगोर्स लाइफ एंड कल्चर, उसके लिए दिया गया है। फिर यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट है 2016, जिसको दिया गया है राम वनजी सूतर को। ये अवार्ड, ही इज़ अ वेरी रेनाउंड स्कल्प्टर, जो कि बहुत ही फेमस एक आर्टिस्ट हैं। तो इनको ये तीन अवार्ड दिए गए हैं, तीन ये अवार्ड दिए गए फॉर 14, 15 एंड 16। अवार्ड स्टार्ट हुआ 2011 में, और इसका जो प्राइज मनी है दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़। एंड सितार माइस्त्रो हैं पंडित रविशंकर, ही वॉज द फर्स्ट टू गेट इट, एंड सेकेंड वी हैड श्री जुबिन मेहता, उन्हें अवार्ड 2013 में दिया गया। तो इनका जो नाम यहाँ पर है वो है द टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हार्मनी। क्लियर हो गया तो कमेंट में डाल दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, हमें क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर, जो कि ये रही आपके सामने। गाइस, कोई बताएगा मेरे को इनका नाम क्या है? एनीवन, एनी आइडिया, ये कौन है, ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं? और इस स्टेट ने अभी हाल ही में एक मसाला बॉन्ड जारी किया है, दे हैव लॉन्च्ड मसाला बॉन्ड्स, एंड दोज मसाला बॉन्ड्स हैव बीन लॉन्च्ड इन लंडन स्टॉक एक्सचेंज, पर उसको इन्हीं की एक कंपनी ने, सरकारी कंपनी ने उसको लॉन्च किया है। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दिस ही इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, एंड द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड, इट हैज़ बेसिकली लॉन्च्ड रुपीज़ 5,000 करोड़ मसाला बॉन्ड, एंड दिस मसाला बॉन्ड हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द LSE में इसको दोस्तों यहाँ पर लॉन्च किया गया है, एंड इसका नाम है द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, जिसने कि इसको यहाँ पर लॉन्च किया है। नाउ गाइस, इसके लिए जो रेटिंग एजेंसी बनाई गई है, जो कि रेट करेगी इस मसाला बॉन्ड को, उस एजेंसी का नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, विच विल रेट इट, एंड सो इज़ फिच रेटिंग्स। ये दोनों इसको रेट करेंगी कि ये कैसा आपका है, और इसको इन्होंने लॉन्च किया है। नाउ गाइस, व्हाट इज़ मसाला बॉन्ड? देखिए, बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज़ अ बोरोइंग डन बाय अ कंपनी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मार्केट से पैसा चाहिए, ईदर आई विल प्रोवाइड शेयर्स ऑफ माय कंपनी और आई विल बोरो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जब वो बोरो करती हैं मार्केट से, दैट इज़ कॉल्ड एज अ बॉन्ड। पर इस बार जो बॉन्ड है, जो बोरोइंग होगी, दैट हैपन्स इन रुपी, ये आपकी डॉलर नहीं होती है। सो बेसिकली दीज आर ओवरसीज बॉन्ड, जो कि ओवरसीज मार्केट में लिस्ट होते हैं, पर इनमें जो करेंसी जिसमें निवेश होता है, वो करेंसी आपकी कौन सी होती है? दैट करेंसी इज रुपी, इट इज़ नॉट इवन अ फॉरेन करेंसी। ओके, इससे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो पैसा उठा सकते हैं लोकल करेंसी में, इससे पैसा आपको मिल सकता है। तो सिंपल सी खबर है कि मसाला बॉन्ड्स आर रुपीज डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स विच आर इशूड थ्रू इंडियन कंपनीज इन फॉरेन मार्केट्स, जहां पर रुपी में इसको निवेश किया जाता है, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जॉयदीप स्पेस क्लियर इसलिए किया गया है बिकॉज इसका फ़ायदा ये होता है कि आप रुपीज़ में इन्वेस्ट, पैसा मिलता है आपको, जिसका यूज़ आप डोमेस्टिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
वर्ल्ड पोलियो डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर 24 अक्टूबर. इस साल भी 24 अक्टूबर को इसको मनाया गया. और दिस पर्टिकुलर डे इज ऑब्जर्व्ड इज स्टार्टेड बाय द रोटरी इंटरनेशनल. इसने इसको यहाँ स्टार्ट किया था और ये मनता है 24 अक्टूबर को बिकॉज दिस इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जोना सॉल्क, जो पहले जो लीडर थे उस टीम के जिसने कि इस वैक्सीन बनाई थी इस पोलियो के लिए. और इसकी जो ओरल ड्रिप है जिसको हम सब यूज़ करते हैं उसको बनाया है एल्बर्ट सेबिन ने. उन्होंने इस ओरल ड्रिप को यहाँ पर बनाया था. तो जोना सॉल्क जो थे, जो जनक थे इस वैक्सीन के, उसके उनके बर्थडे के दिन इसको बनाया जाता है. पोलियो का जो एक फुल नाम है वो है पोलियोमाइलिटिस, जो कि एक हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ है और ये 5 वर्ष से कम बच्चों में खास तौर पर पाया जाता है. तो ये मनाया गया आपको ऑन अक्टूबर 24. नेक्स्ट खबर पे आते हैं. द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस इज अगेन अ डे दैट इज़ द वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे. दिस डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 24 और इस डे को ऑब्जर्व करता है आपका, इस डे को ऑब्जर्व आपका करता है अंगटाड. और अंगटाड आपका बना 64 में, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं आपके इन जिनीवा. सो ओवरऑल बात यहाँ पर आपसे करें कि जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्मेशन डे है दैट इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर 24 अक्टूबर. इट इज़ यूज फॉर डेवलपिंग फॉर नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेंथनिंग द नेशनल कोऑपरेशन, नंबर वन. नंबर टू, अंगटाड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको इंस्टीट्यूट किया था. और अगर अंगटाड की बात करें तो अंगटाड वॉज सेटअप इन 1964 और इसका जो परमानेंट सचिवालय है वो आपका जिनीवा के अंदर पाया जाता है, जो कि स्क्रीन पर है. और इसका जो इस बार थीम था, द थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट दिस ईयर वॉज बोल्ड स्टेप्स टू एंड पोलियो. ये इस बार इसका थीम था जो कि स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं. अंगटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, वो फुल फॉर्म है अंगटाड का. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको अगली खबर पे. नाउ गाइस अगली खबर जो है दैट इज फ्रॉम हरियाणा. नाउ गाइस हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, हरियाणा के अंदर आपका लॉन्च हुआ है पशु संजीवनी सेवा, जो कि एक लाइफ स्टॉक वेटनरी स्कीम है जो कि हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है. स्कीम का मकसद है टू प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज टू द लाइफ स्टॉक, जो भेड़ बकरी हैं उनको जो मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स हैं उनके जरिए. सो थ्रू द हेल्प ऑफ द मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स द पशु संजीवनी सेवा विल प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज, वो यहाँ पर एक अपडेट आपके सामने दिया गया है. नाउ गाइस द सर्विस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन 3 ब्लॉक्स, जो 3 जिले हैं वहाँ पर, जिंद, यमुनानगर एंड नूह, वहाँ पर शुरू किया जाएगा. और दिस सर्विस विल बी अवेलेबल 24/7 थ्रू द मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स. और इसके लिए आप कॉल भी कर सकते हैं ऑन द टोल फ्री नंबर दैट इज 1962. तो ओवरऑल बात करें तो पशु संजीवनी सेवा इस योजना को लॉन्च किया गया है हरियाणा के अंदर, नंबर वन. नंबर टू, दिस योजना विल बी लॉन्च्ड इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर टू. नंबर थ्री, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स बनेंगे इसके लिए जो कि 24/7 यूज होंगे. और एक टोल फ्री नंबर भी बनाया गया है, इसका नाम है, इसका जो नंबर है आपका 1962. आई होप ये क्लियर हो गया आपको. चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं नेक्स्ट खबर पे जो कि ये रही अब आपके सामने. नाउ गाइस दिस इज़ अ कोस्ट गार्ड शिप जिसको बनाया है रिलायंस नेवल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि एक कंपनी है जो कि ओन करते हैं अनिल अंबानी. उसने बनाया है ICGS वरुणा, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वरुणा. एंड दिस इज़ अ 3,000 टन शिप जिसको अनिल अंबानी की कंपनी ने बनाया है. इस शिप के बारे में बात करें, देखिए मेन पॉइंट डिस्कस हो गया, तो बात करें इसके डिटेल्स के बारे में. तो इसके डिटेल्स में हम यहाँ अगर बात करें तो डिटेल्स दोस्तों आप देख सकते हैं, डिटेल्स में देख सकते हैं कि 105 मीटर का आपका ये एक वेसल है, नंबर वन. और 242 लोग इसमें आ सकते हैं एंड इसका जो कॉस्ट है दैट इज़ एट 220 करोड़ में ये आपका वेसल बना है और 105 मीटर लंबा आपका ये वेसल है. द क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जामिनेशन विल बी हु विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट ICGS वरुणा. आंसर इज़ रिलायंस नेवल. सवाल एक और बनेगा, रिलायंस नेवल हैज़ लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग शिप्स, उसका आंसर होगा ICGS वरना. दोनों ही आंसर यहां पर आपको याद करने पड़ेंगे. आगे बढ़ते हैं गाइस, अगली खबर आती है दैट इज रिगार्डिंग NSE. NSE हैज बीन गिवन एन अप्रूवल बाय SEBI टू लॉन्च कॉपर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट.
Now guys, before discussing anything, there will be a question ki sir, what is basically a futures contract? A futures contract hota kya hai? To dekhiye, hoga kya ki ek seller hoga aur ek buyer hoga, theek hai? Wo ek price pe agree karenge ek exchange mein aur usi price pe future mein wo deal karenge. Baat samjhe dhyan se ki in an exchange, maan lete hain yahan par jo item hai wo copper hai. तो कॉपर की एक प्राइस जो होगी उस पर सेलर और बाय अग्री करेंगे. अग्री इसलिए करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दिस विल लीड टू नो लॉसेस और लेस लॉस, ठीक. और उसी प्राइस पर फ्यूचर में वो डील करेंगे किसी एक्सचेंज में. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अब आपका होगा इन दी एनएसई. एनएसई में आपका होगा अब एक कॉपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. आई अगेन रिपीट फॉर द लास्ट टाइम, a futures contract is a contract in which the seller and the buyer, they will agree on a price in an exchange. Ek exchange mein ek price par wo agree karenge, us price par wo copper ko future mein khareedenge. That deal, this deal is called as a copper's future contract ya fir a futures contract. Now isko allow kiya gaya hai SEBI dwara in the national stock exchange. Clear ho gaya hai to please comment mein dal dijiye, maza aa gaya, taki main samajh paun ki aapko ये क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे. नाउ गाइस, वी हैव अ न्यू एम्बेसडर टू म्यांमार एंड उनका नाम है सौरभ कुमार. ही हैज बीन मेड द न्यू एम्बेसडर ऑफ म्यांमार. ही हैज रिप्लेस्ड विक्रम मिश्री जो कि अब बने हैं एम्बेसडर टू चाइना. सो दो डेवलपमेंट्स हुए हैं. पहले एम्बेसडर टू म्यांमार हैं सौरभ कुमार एंड एम्बेसडर चाइना जो बने हैं इंस्टेड ऑफ हिम सॉरी जो रिप्लेस हुए हैं उनका नाम है विक्रम मिश्री. क्लियर हो गया आप सबको? अच्छी बात है. चलिए आई होप आगे बढ़ सकते हैं और ले चलते हैं अब आपके हमारे आज के क्विज पर. आई होप आप सब लोग रेडी हैं और तैयार हैं हमारे आज के क्विज के लिए. द ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट 2018 वॉज हेल्ड इन न्यू डेली. What was the theme of this summit? अभी हाल ही में एक ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट हुआ था. ये समिट का इस बार थीम क्या था, ये मेरा आपसे सवाल है. एंड द आंसर ऑफ दिस थीम इज, इट इज ऑप्शन सी, दैट इज कनेक्टिंग फार्मर्स टू मार्केट. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. बहुत ही आसान सवाल है. ड्वेन ब्रावो, उन्होंने हाल ही में डायमंड लिया है. सवाल इतना आसान है कि इसका आंसर का मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया. कहाँ से, किस पर्टिकुलर कंट्री से आपके ये खेलते थे? इसका आंसर है वेस्ट इंडीज. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ 4-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमिटी टू लुक इन टू द सेक्शुअल हैरेसमेंट केसेज एट वर्क प्लेस. एक 4 सदस्यीय मंत्रियों का समूह गठित किया गया है जो कि यौन उत्पीड़न के मामले को देखेगा जो कार्यस्थल पर होते हैं. उन मामलों में उनके अभी अध्यक्ष इन्हें किसे बनाया गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजनाथ सिंह. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट नो भारत डैश व्हीकल शैल बी सोल्ड अक्रॉस द कंट्री विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2020. एक रूल आया है जिसमें कहा गया है कि अप्रैल 1, 2020 से तक इनमें से कौन से स्टेज का व्हीकल को बेचा नहीं जाएगा. दैट इज माई क्वेश्चन गाइज. और इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज स्टेज 4. भारत स्टेज 4 व्हीकल्स को यहाँ पर बैन कर दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following cricketers has become the fastest batsman ever to score 10,000 runs in the history of ODI cricket? ODI cricket में सबसे तेज matches में और सबसे कम matches में और सबसे कम innings में और सबसे कम balls में 10,000 run बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? It is the captain of our team, that is Virat Kohli. Next सवाल पे आते हैं. India has recently signed 38 pacts of dash worth to give impetus to the iron and steel industry. अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ 38 agreements किए हैं, sorry 38 pact किए हैं, और ये pact हुए हैं for iron and steel industry and sorry कितने worth के pact हुए हैं ये सवाल है मेरा आपसे. एंड इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज $10 billion. इतना अग्रीमेंट आपका यहाँ पर हुए हैं. हाँ, अनुष्का शर्मा का हस्बैंड बिल्कुल सही कह रहे हैं. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं.
Life insurer PNB MetLife has unveiled an artificial intelligence powered customer service app. What is the name of that particular app? मैंने discuss किया था इसको दो दिन पहले कि जो PNB की एक app है जिसका नाम है PNB MetLife, उसने हाल ही में कौन सी एक customer service app, sorry जो माफ करिए कंपनी जो है उसने कौन सा अभी हाल ही में एक customer service app AI based बनाया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है option A, that is खुशी. Next सवाल पे आते हैं. Which Indian state will organize Tech 2018 in association with UNESCO MGIEP? इनमें से हाल ही में कौन से स्टेट ने Tech 2018 को ऑर्गेनाइज किया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. अ चाइनीज कंपनी हैज टेस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो ड्रोन सक्सेसफुली. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रोन? इस ड्रोन का दोस्तों नाम क्या है? और इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फाई होंग 98. ये इस ड्रोन का दोस्तों यहां पर नाम है. और आते हैं आखिरी सवाल पर. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेड द MD एंड CEO ऑफ द पेटीएम पेमेंट्स बैंक? पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD CEO इनमें से कौन है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज सतीश कुमार गुप्ता. ये सही आंसर है. तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल और ये रहा हमारा आज का लास्ट कोट. इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल देन कीप गोइंग. अगर आपकी लाइफ बहुत खराब चल रही है तो भाई चलते रहिए. वो जो गंतव्य है, वो जो एक एरिया है वो चला जाएगा. इट विल गो अवे. सो इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग. दीज आर द वर्ड्स बाय द ग्रेट विंस्टन चर्चिल गाइस. सो विद दिस वील कम टू एन एंड. You all can comment in the video, guys. आप comment कर सकते हैं video में जो मैंने आपसे पूछा है आपसे सवाल. And जो भी आपका feedback है उसको भी आप मेरे को comment कर सकते हो या मेरे को आप mail भी कर सकते हो. You can also join me on Instagram. The ID is eternaloptimist11. उस पर आप मेरे को join कर सकते हो, follow कर सकते हो. And also you can mail me at kush.pandey@adda247.com. So with this we'll come to an end. Do not forget to like the video, guys. Share the video, guys. And subscribe the channel. Bye-bye, guys. Take care and ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर. द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता. सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है. यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो, सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो.